कॉफी विद करण सीजन 7 के एपिसोड 10 का प्रोमो आउट हो चुका है और इस बार काउच पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं कैटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर। तीनों अपनी एक नई फिल्म के प्रमोशन के लिए यहाँ आए हैं। तीनों एक साथ भूत पुलिस में नजर आने वाले हैं और अब एक बार फिर से नजर आ रहे हैं कॉफी विद करण के काउच पर। तो चलिए दोस्तों बताते हैं इस प्रोमो के हाइलाइट्स। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ आंचल सनोरिया। दोस्तों कैटरीना कैफ जो इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं अपनी फिल्म्स के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए और अपने प्रेगनेंसी के लिए। दरअसल इस वक्त तो काफी बड़ा बज बना हुआ है, काफी सारे र्यूमर्स ऐसे फैल रहे हैं कि भाई कैटरीना कैफ कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, और इसी बीच अब वो नजर आ गई है कॉफी विद करण के सीजन 7 पे। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार जिस तरीके से पहले उनकी शादी यहाँ पर फिक्स हुई थी, स्टार्ट हुई थी उनकी शादी की, एक कड़ियां जुड़नी शुरू हुई थी, अब क्या उनकी प्रेगनेंसी का जो रेवलेशन है वो यहाँ होता है या नहीं, या फिर ये सिर्फ एक महज र्यूमर है। दूसरी जगह बात करें रणबीर आलिया की, तो इस वक्त उन्होंने रणबीर आलिया की सुहागरात के लिए एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। दरअसल जब करण जौहर पूछते हैं कि आलिया भट्ट ने कहा था कि देयर इज नो सच सुहागरात ऑन द सुहागरात डे, तो कैटरीना कैफ इस बात पे रिएक्शन देती हैं कि शायद उन्होंने पहले ही अपनी सुहागरात बना ली थी। दोस्तों इस बात पे करण जौहर का रिएक्शन काफी ज्यादा फनी होता है और साथ ही सिद्धांत चतुर्वेदी का रिएक्शन भी देखने लायक होता है। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है कैटरीना कैफ, लेकिन वो उनकी वाइफ आलिया भट्ट के साथ काफी अच्छे रिश्तों में है और इस बात का खुलासा आलिया ने कई बार किया है। वहीं आगे चले प्रोमो में, तो प्रोमो के अंदर ईशान खट्टर इस बार काफी मस्ती मूड में नजर आ रहे हैं। प्रोमो के अंदर जितना हम देखें तो भाई ईशान खट्टर लग ही नहीं रहे हैं ईशान खट्टर हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने मस्ती और जिस तरीके से अपने रिप्लाइज उस काउच पर बैठ के उन्होंने दिए हैं वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। कैटरीना हो या करण जौहर हो, कोई भी हंसी के ठहाके लगाने से रुक नहीं रहा है। दूसरी जगह बात करें सिद्धांत चतुर्वेदी की, तो वहां उनकी रिलेशनशिप की भी बातें होती हैं जिस पर वो मना कर देते हैं कि भाई मैं उतना ही सिंगल हूं जितना कोई नहीं हो सकता, इनफैक्ट मैं इतना सिंगल हूं कि मेरे साथ ईशान खट्टर रह रहकर भी सिंगल हो चुका है। इसके साथ ही वो इशारा कर देते हैं ईशान खट्टर का ब्रेकअप हो चुका है। दोस्तों पहले अभी एक न्यूज ये भी थी कि ईशान खट्टर का अनन्या पांडे के साथ ब्रेकअप हो गया और इस काउच पर बैठ के सिद्धांत चतुर्वेदी ने उसी तरफ एक इशारा कर दिया है। दोस्तों इससे पहले हमें दिखे थे इस काउच पर सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड विकी कौशल, जहां विकी कौशल अपनी वाइफ कैटरीना कैफ की काफी ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आए थे। अब देखना यह होगा कि जब विकी कौशल के बारे में सवाल किए जाते हैं कैटरीना से तो कैटरीना क्या कहती हैं। कैटरीना को हाल ही में फिल्म फेयर में देखा गया था जहां वो अपने हस्बैंड को काफी ज्यादा चीयर करते हुए दिखी थी और उसके बाद अब वो नजर आ रही है कॉफी विद करण के सीजन 7 के इस काउच पे। दोस्तों प्रोमो तो काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा है हमेशा की तरह। कॉफी विद करण जिस चीज के लिए फेमस है, मुझे लगता है कि भाई इस बार वो चीजें यहाँ होने वाली है। कॉफी विद करण पे अक्सर लोग, अक्सर सेलिब्रिटीज वो बोल देते हैं जो वो कहीं बोलना पसंद नहीं करते। पिछले एपिसोड की बात करें जिसमें टाइगर और कृति सैनन दिखाई दिए थे तो वो भी काफी कमाल का था, लेकिन इस बार जिस तरीके से कैटरीना आ चुकी हैं और काफी टाइम के बाद वो दिख रही हैं, देखना ये होगा कि भाई वो क्या खुलासे करती हैं, अपनी प्रेगनेंसी र्यूमर्स के ऊपर क्या रिएक्शन देती हैं और साथ ही अपने हस्बैंड की जो उनकी फिल्में बैक टू बैक आ रही हैं या उनकी अपनी खुद की जो फिल्में आ रही हैं उस पर उनका क्या रिएक्शन आता है। दोस्तों प्रोमो बहुत जबरदस्त है, 10th एपिसोड है कॉफी विद करण के सीजन 7 का, प्रोमो आउट हो चुका है और जल्द ही एपिसोड भी आउट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने ये प्रोमो नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए, और अगर देख लिया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये प्रोमो कैसा लगा, और साथ ही बॉलीवुड टीवी और वेब सीरीज से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहे फिल्मी बीट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।